नमस्कार सभी को। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे, उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की सीरीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। तो इसमें आपका पहला सवाल क्या है कि किसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो प्लॉटर क्या होते हैं, प्लॉटर होते हैं प्रिंटर, तो ये तो पॉइंटिंग डिवाइस हो नहीं सकता। प्लॉटर क्या होते हैं, प्रिंटर जैसे होते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ ले भाई HD प्रिंट वगैरह लेने हैं, यानी हाई क्वालिटी के प्रिंट लेने हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर का। ठीक है, PROM ये तो क्या होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज ये तो क्या है, मेमोरी स्टोरेज। स्कैनर है, ये एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी में बदलना, किसको, हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी उसमें बदलना, ये जिम्मेदारी इसकी है। अब हमारा एक बचा इनपुट डिवाइस, वो क्या है, माउस। और माउस है हमारा किसका करता है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का मतलब ये होता है जैसे ये स्क्रीन है, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट करना है, यानी हमें कहीं भी ओके करना है, तो माउस से भी करते हैं हम। और अब जैसे ये स्केच है, इससे भी हम कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंटिंग हो गया, यहाँ पे पॉइंटिंग जैसा ही हो गया। वैसे तो ये पॉइंटिंग नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा जो फंक्शन है वो डिस्प्ले डिवाइस का है। ठीक है, तो इस वजह से इसको तो नहीं कह सकते, पर वैसे ऐसा ही होता है। एक पेन, लाइट पेन बोलते हैं जिसको, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, तो माउस क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट, यानी स्क्रीन पे कहीं भी ओके करना है, पॉइंट करना है आपको। आगे नेक्स्ट देखो, एक फाइल को CD रोम में कॉपी करने की प्रोसेस क्या होती है। देखो यानी कि ये कह रहा है CD रोम क्या है, यहाँ पे CD रोम आपकी एक डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, CD डालेंगे, और CD के अंदर डाटा डालना होता है बर्नी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग। CD के अंदर डाटा डालने को बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बर्निंग। और यहाँ पे CD की बजाय अगर DVD भी होता तो भी एक ही बात है, अगर DVD है तो भाई कौन सा देखो CD में कुछ डालना है तो हमें चाहिए CD बर्नर, है ना, CD बर्नर, उसको CD बर्निंग बोल देंगे। DVD में कुछ डालना है तो उसे क्या बोल देंगे, DVD बर्नर, DVD बर्नर। और DVD क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये चीज ध्यान रखिएगा। DVD क्या होता है, DVD की दो फुल फॉर्म है, एक होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों होती हैं, लेकिन अगर दोनों आपको एक साथ मिल जाएं तो आपको वर्सेटाइल को ठीक करना है। ठीक है, ये आपके एक्सचेंज में मिल सकते हैं भी, हो सकता है कहीं पे वर्सेटाइल दिया हो सकता है कि कहीं पे वीडियो दिया हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, CPU को, किसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और इसके लिए दिमाग का काम कौन करता है, रोम मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, इस CPU के लिए दिमाग का काम करता है रोम। वैसे तो कंप्यूटर के लिए हम दिमाग किसको बोलते हैं, CPU को। और CPU के तीन पार्ट हमने थ्योरी में पढ़े थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है CU, एक होता है ALU और एक होती है इसकी मेमोरी। और मेमोरी में भी इसके दो तरह की मेमोरी है, एक होता है रजिस्टर और दूसरा होता है कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट। कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है। देखो यहाँ पे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेमोरी की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जाए कि मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी होती है दो प्रकार की। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी
प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी में कौन सा है, तो प्राइमरी में आपके दो होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, प्राइमरी में आपकी दो हैं, रैम और रोम, तो इनमें से कौन सा है भाई हमारा, रैम। ठीक है, और सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी भी कई तरह की होती है, कुछ ऑप्टिकल होती हैं, कुछ मैग्नेटिक होती हैं और कुछ सेमीकंडक्टर होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल की बात करें तो सीडी डीवीडी जो है हमारी वो ऑप्टिकल में आती है। मैग्नेटिक की बात करें तो टेप है, मैग्नेटिक टेप है, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क है, एचडीडी हार्ड डिस्क है, ये सारी किस में आती हैं आपकी, मैग्नेटिक में। और सेमीकंडक्टर में एसएसडी और जो हमारे चिप्स वगैरह हैं, यानी कि कार्ड्स, जैसे कि मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं वो सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी प्राथमिक है, तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कौन सी हमारी, रैम है, बाकी तो क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर के कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती हैं, यानी की होती हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं किसी भी कीबोर्ड में, तो हमारा जो आधुनिक मॉडर्न है हम उसमें क्या मान के चलते हैं, 104। वैसे देखो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 104, वैसे 100 से लेकर 107 तक होती हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, 100 से लेकर 107 तक होती हैं, तो अब 100 से 107 के बीच में यहाँ पे 104 ही यहाँ पे आपका रहा है, और एक दो कुछ एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी 104 को ही आंसर माना गया है, तो आप उस हिसाब से भी 104 ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 100 से लेके 107 तक होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कीबोर्ड पे। आगे नेक्स्ट, यूएसबी की ट्रांसफर स्पीड क्या है। ठीक है, ये है ट्रांसफर स्पीड, ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट, डाटा ट्रांसफर करने का रेट पूछा है। यूएसबी यानी कि जो हम पेन ड्राइव वगैरह यूएसबी की लगाते हैं, तो यूएसबी पोर्ट से कितना डाटा जो है वो ट्रांसफर हो पाता है, तो हो पाता है 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये आपका एचएसएससी में आया है, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो वही हैं जो या तो एग्जाम्स में आए हैं या उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में आने की। ठीक है, तो 12 Mbps इसका स्पीड है। और यूएसबी पोर्ट जो है, अगर इसकी खोज की बात करें तो वो किसने करी है, हमने पहले ही बात करी थी, अजय वी भाट ने। अजय वी भाट ने, अमेरिकन थे, इंडिया बोर्न, इंडियन, इंडिया मूल के, भारतीय मूल के हम बोल सकते हैं। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी क्या होता है, देखो अगर मॉनिटर की बात आए ना, तो मॉनिटर में आपको ध्यान रखना है, सीआरटी भी होता है, एलईडी भी है, एलसीडी भी है, टीएफटी भी है, ठीक है, और आईपीएस भी है, आईपीएस। तो सीआरटी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, तो सीआरटी क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब। आईपीएस क्या होता है, इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी है ये भी मॉनिटर की, इन प्लेन स्विचिंग। ठीक है, एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलसीडी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और टीएफटी होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये फुल फॉर्म्स हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सीआरटी का पूछा है, तो और किसी एग्जाम में हो सकता है एलसीडी एलईडी इन वगैरह के बारे में पूछ ले। हाँ, क्वालिटी की अगर बात करें तो इनमें एलईडी जो है वो सबसे बेहतर रहेगी, अगर एज इनसे कंपेयर करें तो। क्यों, क्योंकि कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, स्पेस वाइज सबसे बेहतर कौन सी है, एलईडी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में है कौन सा एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। देखिए अब यहाँ पे प्रिंटर के टाइप पूछ ली, अब आपसे एग्जाम में जैसे मेमोरी पूछते हैं ना कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो प्रिंटर भी पूछ लेते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी दो ही टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है,
अब इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में आता है आपका एक तो डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, व्हील, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स ये कैसा हमारा इम्पैक्ट है। तो अब बाकी क्या क्या बच गए वो देखो, बाकी हमारा बच गया इंक जेट, है ना, ये रहा इंक जेट, इंक जेट बच गया हमारा, और हमारा थर्मल है, लेज़र है, थर्मल है, लेज़र है, ये कैसे हैं नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इनमें ये जो कैटेगरी है ना वो किस तरह से बांटी गई है, आवाज़ के आधार पे। ठीक है भाई, ये जो है ना आवाज़ ज़्यादा करते हैं इम्पैक्ट वाले, क्योंकि इनमें हेड स्ट्राइक होता है। ठीक है, हेड स्ट्राइक होता है, स्ट्राइकिंग बेस्ड चीज़ें हैं, तो वो स्ट्राइकिंग जब होती है तब आवाज़ उत्पन्न होती ही होती है, तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है प्रिंटिंग के समय, इनमें प्रिंटिंग के समय आवाज़ कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोल दिया नो इम्पैक्ट। और इसमें भी जो थर्मल है ये खास है, इसमें हीट द्वारा प्रिंटिंग होती है, हीट उष्मा द्वारा प्रिंटिंग होती है। ठीक है, ये प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना। और प्रिंटर का काम क्या है, किसी भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट से हार्ड कॉपी में बदलना, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में बदलना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। एक इनपुट डिवाइस है जो हाथों से बनाए हुए चिन्हों, जैसे कि छोटे छोटे गोले हों, ठीक है, चकोर हों, पहले प्री प्रिंटेड फॉर्मेट बनाया जाता है, यानी कि ऐसा कुछ बना रखा हो हमने, ठीक है, इस तरह से कुछ बना रखा हो, और फिर उन्हें पहचान, उनकी पहचान करता है। देखो अब ये इस तरह के हमें कहाँ पे मिलते हैं, ओएमआर शीट में मिलते हैं ना हमें, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट हमने देखी है, पेपर दिए हैं, ओएमआर शीट पे आप पेपर देते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी रोल नंबर वगैरह ओएमआर पे ही भरे जाते हैं, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओएमआर, क्या रहेगा, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर औरों की बात करें तो और क्या क्या है भाई यहाँ पे, ओसीआर, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या है, यहाँ पे जैसे प्री प्रिंटेड छोटे गोले, गोले है ये, ठीक है, छोटे गोले या चकोर होंगे ये खाने इस तरह से, तो वो उनकी पहचान करनी है तो ओएमआर, अगर लिखे हुए कैरेक्टर्स की पहचान करनी है, ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे लिखे गए कैरेक्टर्स, की पहचान, या उनको स्कैन करना है तो वो किसे करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से। ठीक है, एम बी आर की बात करें तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एम बी आर की दो फुल फॉर्म हो सकती हैं, एक हो सकती है मेमोरी बफर रजिस्टर, एक होती है मेमोरी बफर रजिस्टर, और एक होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड और मेमोरी बफर रजिस्टर, इसकी दो फुल फॉर्म हो सकती हैं। एम बी आर अगर एज ए रजिस्टर देखें तो ये सीपीयू की जो हमारी मेमोरी है उसका पार्ट हो जाता है, और मास्टर बूट रिकॉर्ड की बात करें तो जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है यानी बूट करता है तो उस समय पे कुछ हमें डाटा की जरूरत पड़ती है, कुछ रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ वो कहाँ पे मिलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड में मिलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस की टेक्निक, ठीक है, के लिए माउस की टेक्निक की बात करें, ये हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल है, मान लो कोई भी फाइल है या फोल्डर है, फोल्डर को क्या बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी है, कोई भी फाइल है, फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इनके ऊपर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा मेन्यू खुल जाता है, बड़ा सा एक मेन्यू खुल जाता है जिसके ऊपर कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, इस तरह से नाम होते हैं, और लास्ट में होता है उसमें प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज मतलब समरी, समरी है और इस फाइल के बारे में डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो वो कैसे, राइट क्लिकिंग द्वारा। कैसे आती है? राइट क्लिकिंग द्वारा। किसी भी फाइल फोल्डर और डायरेक्टरी पे जाके जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, जैसे ही माउस का हम राइट क्लिक करेंगे, यानी ये दो क्लिक होते हैं ना, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, जैसे ये वाला क्लिक करेंगे, ये किसका काम करेगा? प्रॉपर्टी दिखाने का काम करेगा, ठीक है। और जो लेफ्ट है वो किसका काम करेगा? ओके का। और बीच में एक यहाँ पे एक पहिया होता है, वो किसका काम करता है? स्क्रॉल का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स अभी अभी इसका जिक्र हुआ था, ये किसका है? पार्ट प्रिंटर का। कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसे हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करें तो किस लिए यूज करते हैं? यह एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम टेक्स्ट, सिंबल और नंबर्स अगर हमें कंप्यूटर में इनपुट करने हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की। स्कैनर, यह पिक्चर्स या डायग्राम्स आपके, या लिखी हुई चीजें, लिखे हुए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन, लिखे हुए डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यानी कि स्कैन कर सकता है, स्कैनर का काम है। तो एग्जाम में आ गया कि लिखे हुआ कुछ चीजें हैं, पिक्चर्स हैं या डायग्राम है, इन सभी को स्कैन कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर इनपुट कौन करता है? स्कैनर। टेक्स्ट, सिंबल, नंबर, ये सब हमें इनपुट करने हैं तो कीबोर्ड। स्क्रीन के ऊपर अगर हमें पॉइंटिंग करनी है तो माउस, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो भाई प्रिंटर है, दो टाइप के हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, और उनमें से इम्पैक्ट किस्म का ये एक प्रिंटर है, ठीक है। आगे, टैब की का उपयोग किस लिए होता है? तो टैब की का उपयोग होता है इसके लिए होता है, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ठीक है। ये तो मेन उपयोग है इसका, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए होता है, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये एक पैराग्राफ है, ये तो इसमें आप कुछ स्पेसिंग छोड़ सकते हो यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसे बोलते हैं पैराग्राफ की इंडेंटेशन, कुछ जगह छोड़ना पहली लाइन में, ठीक है। फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर जैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हुआ तो वो मान लो हमने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी, तो ये क्या है? इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं? टैब की का। टैब की सबसे लार्जेस्ट की पूछे तो स्पेस बार, सबसे लार्जेस्ट की स्पेस बार। स्क्रीनशॉट लेना है तो पी आर एन टी एस सी आर, ठीक है। हेल्प मेन्यू खोलना है तो F1, हेल्प। अगर हेल्प चाहिए हमें कंप्यूटर की, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाते समय या कंप्यूटर ही चलाते समय, तो हम F1 का यूज कर सकते हैं। F7 से स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं, ग्रामर व स्पेलिंग चेक, ठीक है, ग्रामर व स्पेलिंग चेक। तो ये कुछ की हैं, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो की आपसे पूछे कितनी है? 4। फंक्शन की आपसे पूछे कितनी है? 12। इनको FN की भी बोलते हैं, फंक्शन की, ठीक है, टोटल 12 है। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर का डाटा देखने के लिए? तो दिखाई हमें किस पे देता है चीजें? मॉनिटर पे, ठीक है। और मॉनिटर की किसमें हमने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, CRT, LED, LCD, ये सारे क्या है? मॉनिटर के टाइप है, ठीक है। तो डाटा हमें सारा कहाँ पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद CPU का भाग है ALU, और ये आपकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गया। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट देखने की बात हो रही है, इनपुट करने की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका मॉनिटर ही है क्या? आउटपुट। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर बात करें CRT की,
सीआरटी आपके दो टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था इधर पीछे वाले में, बाकी जो हमारी थ्योरी क्लासे हैं उनमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ और बता देता हूँ कि सीआरटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्लैक एंड वाइट और एक होते हैं कलर, और जो ब्लैक एंड वाइट है उनको मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है, उनको मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है। आगे, इनमें से किसे एक प्रकार का माउस है, कौन सा, मतलब इनमें से माउस के प्रकार हैं, तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो माउस होते हैं, ठीक है। आपके कौन से होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। जो माउस हैं वो दो प्रकार के हैं, ऑप्टिकल और एक है मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल वो वाले माउस हैं जिनमें नीचे अगर आप उठा के देखो तो एक रबड़ बोल होती है, रबर की बोल होती है उसके नीचे, ठीक है। और जब उसको हम किसी सरफेस पे घुमाते हैं तो वो बोल घूम के पॉइंटिंग का काम करती है। और ऑप्टिकल वाले वो वाले माउस होते हैं, जब आप उनको उठा के देखोगे तो नीचे आपको एक लेजर लाइट दिखाई देगी रेड कलर की, ठीक है, यानी जिसमें लेजर लाइट का उपयोग होता है, ठीक है, लेजर लाइट का जिसमें यूज होता है। और आजकल हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, ऑप्टिकल, क्यों, क्योंकि ये हल्के होते हैं और इस आकार में छोटे भी होते हैं। जो मैकेनिकल होते थे वो आकार में थोड़े बड़े होते थे और हैवी भी होते थे, ठीक है, तो इस वजह से हम कौन सा यूज करते हैं, ऑप्टिकल यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट, अच्छा माउस की यहाँ पे खोज की बात करें, अब माउस का ही जिक्र आ गया तो हमें ये भी पढ़ना है कि माउस की अगर खोज की बात करें तो वो किसने की थी, डगलस ने, ठीक है, डगलस एंजल बर्ट ने, डगलस एंजल बर्ट ने कब की थी, 1968 में, ठीक है। वैसे 1962 से 65 के आसपास काम शुरू कर दिया था और हो भी गया था, लेकिन पब्लिकली कब दिखाया था, 1968 में, तो मान लेते हैं कि भाई इस तारीख को जो है इसकी खोज हुई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, अभी अभी हमारी बात हुई थी, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये गलत है, तो अगर हम सी को 12 ले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, तो फंक्शन की कितनी होगी, 12। और जिनमें से मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट F1 और F7, F1 किसके लिए, हेल्प कमांड के लिए, और F7 ग्रामर वह स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है, ग्रामर वह स्पेलिंग चेक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, तो ये वही फिर से बात आ गई प्रिंटर की, तो ध्यान रखिएगा, एक होते हैं इम्पैक्ट और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो जो आपका इम्पैक्ट वाले हैं ना, इन्हीं में ही क्या होता है, हेड और कागज के बीच संपर्क होता है, हेड और कागज के बीच संपर्क, ठीक है, किस में होता है, इम्पैक्ट में। अभी तो ये आवाज ज्यादा करते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है, और एक रिबन होता है जिसमें इंक लगी होती है, और एक फिर पेज होता है, तो जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो वो हेड जो है वो स्ट्राइक करता है उस रिबन पे, और जो भी वहाँ कैरेक्टर छपा होता है वो उस पेज पे जाके छप जाता है, वो हेड जब स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो ये चीज है। तो वो बीच में चेन हो सकती है, बीच में ड्रम हो सकता है, उसके ऊपर पहिया हो सकता है जिसपे कैरेक्टर्स अंकित होते हैं, तो वो हेड जब भी टकराता रहेगा उनके ऊपर, चेन के ऊपर या इन चीजों पे, वो छापते रहेंगे उसको पेज के ऊपर, तो इस प्रोसेस में तो आप समझ ही गए, अब जब टकराने की बात आ गई तो आवाज तो ये ज्यादा करेंगे ही, ठीक है, तो वो सारे आपके इम्पैक्ट हो गए। इनमें से कौन सा उच्च गुणवत्ता की आउटपुट प्रदान करता है, अब आपसे पूछ लें उच्च गुणवत्ता, देखो जो प्लॉटर है हमारे वो उच्च गुणवत्ता के लिए है, ठीक है, अब उच्च गुणवत्ता पूछ ले, HD क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स, इत्यादि, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछ लेना एग्जाम में कि पोस्टर प्रिंट करना है, बैनर प्रिंट करना है, होर्डिंग प्रिंट करनी है, फ्लैक्स प्रिंट करना है, HD क्वालिटी प्रिंट करने हैं, तो ये सारे काम प्लॉटर्स के हैं, ठीक है, किसके हैं, प्लॉटर के। तो
तो इस हिसाब से अगर प्रिंटर और प्लॉटर में देखा जाए तो अंतर क्या है कि प्लॉटर की क्वालिटी हाई होती है प्रिंटर के मुकाबले, ठीक है, और प्रिंटर आकार में भी छोटे होते हैं, प्लॉटर आकार में भी बड़े प्रिंट करते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये हमने बात करी ली। आगे कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाने वाले कोड को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि इस तरह का कुछ कोड हो, इस तरह का कुछ कोड है, तो इस कोड को क्या कहते हैं? ये कह रहा है। तो ये आपने ज्यादातर देखा हो, जो पैकिंग वाले हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर मिलता है, इसे क्या कहते हैं? बार कोड। इसे क्या कहते हैं? बार कोड, ठीक है। और कंप्यूटर इसको पढ़ सकता है। देखो अलग अलग लंबाई चौड़ाई, मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर आता है लाइनों में, और ये नंबरों को प्रदर्शित करते हैं। जब इनको हम बार कोड स्कैनर से स्कैन करते हैं, बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं, तो उसमें वो जो नंबर इसके पीछे छिपा है वो टाइप हो जाता है, इनको बोलते हैं बार कोड, ठीक है। ये होता है हमारा बार कोड, ठीक है, और इसको स्कैन कौन करता है? बार कोड स्कैनर, ठीक है भाई। आगे मैग्नेटिक टेप इसकी बात करें तो ये तो एक स्टोरेज है, OCR, ये हमने बात कर ही ली। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, लिखे हुए कैरेक्टर्स को स्कैन करना है, रीड करना है, तो उसका काम होता है। ASCII जो कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, पेपर में आ सकती है। और ये क्या होता है? कोडिंग सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, ठीक है। जब भी हमें अल्फाबेट सिंबल ये सब कंप्यूटर में स्टोर करने हैं तो हमें कोडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो उनमें से ASCII एक कोडिंग सिस्टम है। इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ASCII का जो साइज होता है वो टोटल 8 बिट, टोटल 8 बिट होता है, लेकिन 8 में क्या होता है, 1 बिट जो है वो रिजर्व होती है और 7 बिट यूज करते हैं, ठीक है, 7 बिट यूज करते हैं। और 7 बिट अगर आपसे पूछ ले भाई ASCII से हम कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 7 बिट यूज में हो रही हैं, तो यानी 2 की पावर 7, 128 टोटल हम वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 128 किस्म के हम कैरेक्टर, अल्फाबेट, सिंबल ये सब लिख सकते हैं इस कोडिंग सिस्टम से, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे बात करें, स्कैनर का स्वरूप इनमें से किस मशीन में मिलता है? ठीक है, स्कैनर का स्वरूप, स्कैनिंग यानी कि कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, तो वो किस में आता है? फोटोकॉपियर मशीन में। किस में आता है? फोटोकॉपियर मशीन में। जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है उसमें स्कैनर लगा होता है, ठीक है, तो स्कैनर का स्वरूप वहां पे मिलता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो एरो बटन होते हैं जी 4, एरो बटन होते हैं 4, ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार है? जो नंबर वाले हैं, जैसे कि ऊपर है आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके 0 तक है, फिर इसको कितनी बार दोहराया गया है? तो कीबोर्ड में इसको 2 बार दोहराते हैं, एक बार इधर होता है 4 5 6, इधर 7 8, किसी कीबोर्ड में नहीं होता, किसी में होता है, ठीक है। तो संख्या को कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार दोहराया गया है, यानी नॉर्मल कीबोर्ड में ये कितने बार होते हैं संख्या इनकी, इनको 2 बार लिखा जाता है, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। से क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। और आपसे पूछ लें भाई न्यूमेरिक पैड किस लिए यूज करते हैं, तो तेज गति से नंबर टाइप करने के लिए। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तेज गति से अंक टाइप करने के लिए, तेज गति से अंक टाइप करने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। और न्यूमेरिक पैड को अनेबल और डिसेबल करने के लिए एक की होती है जिसका नाम है नम लॉक की, ठीक है। तो आपसे पूछे कि नम लॉक की किस लिए यूज करते हैं, तो
इसको अनेबल और डिसेबल करने के लिए एक बार दबा देंगे तो ये पैड जो है काम करना शुरू कर देगा, दोबारा दबा देंगे तो ये पैड जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है, लॉक हो जाएगा। तो इसे नम लॉक की यूज करते हैं। ओके आगे देखो, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो ऊपर वालों में पूछा है कि आउटपुट कौन सा है, तो आउटपुट हमारा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हम प्रिंट लेते हैं, मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है, वीडियो है वीडीयू, ठीक है, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट का भाग है जहाँ पे हमें दिखाई देता है, तो डी हमारा एक तथा दो यानी कि ए व बी दोनों, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए व बी दोनों। डेटा किस रूप में हो सकते हैं, तो डेटा किस रूप में हो सकते हैं ये भी आपका डी रहेगा, लिखित और अलिखित। कैसे लिखित है, जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी लिख दिया, ये क्या है एक लिखित डाटा है, लेकिन जो आपको ये दिखाई दे रही है ये क्या है एक पिक्चर है, तो पिक्चर जो है पिक्चर्स जो है वो अलिखित में भी हो सकती है यानी फोटो भी हो सकती है वीडियो भी हो सकती है, तो कंप्यूटर के अंदर लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का डाटा होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा माउस जैसा काम करता है, इनमें माउस की तरह काम कौन करता है, ये थ्योरी में मैंने आपको बार बार बोला कि अगर पेपर में आ जाए किसी भी इनपुट डिवाइस के बारे में और लिखा हो कि माउस जैसा ही काम करता है, तो ट्रैक बॉल जो है वो माउस जैसा ही काम करता है, और माउस और ट्रैक बॉल में अंतर क्या रहता है, माउस और ट्रैक बॉल में जो अंतर है वो क्या है कि माउस तो मान लो ये माउस है आपका, हम इसको इधर उधर घुमाते रहते हैं, तो उस हिसाब से मान लो यहाँ हाथ रख के और इसको घुमाते हैं ऐसे, हाथ में उठा भी सकते हैं तो उससे ये मूव करते हैं तभी इसका जो पॉइंटर मूव होता है, लेकिन ट्रैक बॉल में क्या होता है ये एक ऐसे बॉक्स होगा जो एक जगह पे फिक्स होगा, यानी ये क्या होता है एक जगह पे फिक्स होता है, इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है और इस बॉल पे ऐसे हथेली रखते हैं और इस बॉल को घुमाते हैं, ठीक है, हथेली रख के इस बॉल को घुमाते हैं तो ये फिर माउस की तरह ही काम करता है, ठीक है, और डबल टैप कर देंगे तो ये क्लिक का भी काम करता है, यानी बिल्कुल माउस जैसा ही काम करता है, बस दोनों में अंतर आपको पता लग ही गया, ये एक जगह फिक्स होता है सिर्फ, इसमें ये बॉल घूमती है अंदर और इसमें ये पूरा का पूरा माउस ही हम इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये हमने अभी बात करी थी, माउस के तीन बटन आपको ध्यान रखने हैं, यह हो गया आपका लेफ्ट क्लिक, ये हो गया आपका राइट क्लिक, और ये बीच में हो गया आपका यहाँ पे एक बोल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो ओके का काम कौन करता है, ये वाला लेफ्ट, ओके का काम कौन करता है लेफ्ट वाला, और मेन्यूज वगैरह एक्सेस करने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि भाई माउस पे कहाँ पे क्लिक करेंगे तो विशेष मेन्यू ओपन होता है, ठीक है, तो विशेष मेन्यू खोलने के लिए राइट क्लिक, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा ओके का काम कौन करेगा बायां। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर, यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, इनमें से तेज प्रिंटर कौन सा है, बस ये पूछा है, तो इन सब में तेज जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे तेज कौन सा है लेजर, और लेजर के बारे में और भी बातें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि इसमें ड्राई इंक का उपयोग होता है, आपसे पूछ लेते हैं किस प्रिंटर में ड्राई इंक का उपयोग होता है, और यह लगभग ऑन एवरेज 100 पेज जो है वो पर मिनट प्रिंट कर सकता है, ठीक है, पर पेज पर मिनट, एक मिनट में 100 से अधिक पेज जो है ये लगभग प्रिंट कर सकता है, तो ये इसकी स्पीड है, तो ध्यान रखिएगा ड्राई इंक का यूज होता है और 100 पेज के आसपास ये एक मिनट में छाप सकता है, और कितने पेज ये पर मिनट जो है प्रिंट करता है उसको हम इसकी क्या मानते हैं स्पीड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्मल प्रिंटर आपको बताया था हीट द्वारा प्रिंट करता है, डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है एक व्हील यानी कि एक पहिया होता है और उस पहिए के ऊपर कैरेक्टर्स अंकित होते हैं, ठीक है, और जैसे और बीच में क्या होता है हमारा एक पेज होता है और हेड जब स्ट्राइक होता है तो उस पेज के ऊपर ये जो कैरेक्टर्स हैं छपते रहते हैं, ठीक है, तो ये इंपैक्ट में आ गया हमारा। आगे
एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी हमने, बात करी थी सभी की फुल फॉर्म, तो ये क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस इनमें क्या पॉसिबल करते हैं, क्या संभव बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस से हम डाटा देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं और जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? अब यहाँ पे चार, ये जो तीन जो है कॉम्बिनेशन दिए हैं और पूछा है कि इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें सारे के सारे इनपुट है। तो माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है, आउटपुट है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये दो तो हैं, पर लेकिन प्लॉटर भी यहाँ पे क्या है आपका, आउटपुट है। तो यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे क्या हो, इनपुट डिवाइस हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है, ठीक है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो मेमोरी में जो भी चीजें स्टोर है वो दिखाई तो हमें किसकी सहायता से देती है, मॉनिटर की सहायता से ही देती हैं, और मॉनिटर के हमने टाइप कर लिए। रैम और रोम क्या है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसके दो टाइप हैं। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो स्कैनर मैंने आपको बताया था ना, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। तो आपकी कोई पिक्चर है या कोई टेक्स्ट है लिखा हुआ है, उन सभी को ये स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कराता है, इनपुट कराता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। देखो पेपर में आ गया माउस जैसा ही दिखता है, तो वो कौन सा हो गया, ट्रैक बॉल। अब बोल दिया गेम खेलना आसान हो जाता है, तो ये है आपका जॉयस्टिक। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि सामान्यतः या ज्यादा उपयोग होने वाली, ठीक है, या ज्यादा उपयोग होने वाली, अत्यधिक उपयोग होने वाली, ज्यादा उपयोग होने वाली, अगर ऐसे आ जाए पेपर में, इनपुट डिवाइस, ज्यादा उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड और माउस, ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड है माउस आपकी दोनों है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली है, सबसे ज्यादा, क्योंकि हर कंप्यूटर के साथ आप देखोगे ना तो कीबोर्ड माउस नॉर्मली आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। लैपटॉप में हो सकता है माउस साथ में ना मिले, लेकिन वहां टच पैड मिलेगा, फिर भी लोग प्रेफर करते हैं माउस को ही, ठीक है। तो ज्यादातर हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो कीबोर्ड और माउस तो मिलते ही मिलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, कंट्रोल देखो CTRL क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट, ALT मतलब अल्टरनेट, इनको क्या बोलते हैं, CTRL क्या है, कंट्रोल, ठीक है, यह है कंट्रोल। एल्ट क्या है, अल्टरनेट, ये बटन है भाई, कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, बटन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की, इन्हें क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की। मॉडिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, कई तरह की कमांड का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं और कॉम्बिनेशन में इनको यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। आगे नेक्स्ट, MICR में सी क्या है, ठीक है, MICR होता है, MICR क्या होता है भाई, MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो सी से क्या है, कैरेक्टर, ठीक है, तो सी से क्या है, कैरेक्टर। कहाँ पे उपयोग करते हैं, जो बैंक चेक होते हैं हमारे, बैंक चेक नंबर, यानी बैंक के चेक का जो नंबर है को स्कैन करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट, OCR की फुल फॉर्म क्या है, तो OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, पर यहाँ पे रीडर नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे,
ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप, अगर रीडर ऑप्शन में ना होगा तो हम किस पे जाएंगे, रेकग्निशन पे, ठीक है, फिर किस पे जाएंगे, रेकग्निशन पे। तो और ओसीआर का यूज किस लिए है, ये हम पढ़ चुके हैं, किस लिए है, लिखे हुए कैरेक्टर्स को स्कैन करना, कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए। और स्कैन किस लिए करने हैं, कंप्यूटर में इनपुट करना है इनको स्कैन करके, ठीक है, हमें टाइप ना करना पड़े इसलिए। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो GUI, देखो ये GUI की फुल फॉर्म दी हुई है, अब पेपर में आ सकता है CLI GUI, तो GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, एनवायरनमेंट यहाँ पे, यानी कि जिसमें हम ग्राफिक समय दिखे, विजुअल समय दिखे और हम सेलेक्ट करते रहे, आइकन वगैरह हमें दिखते रहते हैं ना, वो चीज़ है, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। और जब हमें वो ग्राफिक्स दिखाई देते हैं और हम उन पे पॉइंट वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं GUI, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर ग्राफिक्स ना दिखाई दें, ब्लैक या ब्लू स्क्रीन दिखाई दे और सिर्फ कमांडो के थ्रू हम काम लें तो उसे बोलते हैं, यानी कमांड टाइप टाइप करके हम काम लें तो उसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, उसे क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। गेम खेलना आसान हो जाता है कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, टेक्स्ट व सिंबल नंबर इनपुट करने हैं कीबोर्ड, माउस जैसी ही एक डिवाइस ट्रैक बोल, और ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में पॉइंटिंग स्टैंडर्ड एक डिवाइस है वो हमारी माउस है, ठीक है। आगे माउस डैश बाण है, ठीक है, एरो बाण एरो के आकार में दिखाई देते हैं तो हमें क्या है, पॉइंटर, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंटर। और अगर ऐसे आई के आकार में हो और वो ब्लिंक करे उसे क्या बोलते हैं, कर्सर, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, कर्सर। आगे नेक्स्ट ट्रैक बोल डैश का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, माउस जैसी ही एक डिवाइस है जो किसका काम करती है, पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती है, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनमें से कौन सा इनपुट है भाई, CPU, ये इनपुट आउटपुट में होता ही नहीं, ये तो अपने आप में पूरा ही अलग यूनिट है, ठीक है। अब आपका मॉनिटर है, ये एक आउटपुट है, प्रिंटर है, ये भी एक आउटपुट है, स्कैनर जो है ये किसका है, इनपुट का है, और स्कैनर का काम क्या है, हार्ड कॉपी या पिक्चर या टेक्स्ट हमारे हैं उनको हार्ड कॉपी में हमारे पास है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करना, ठीक है, वो इसका काम है। आगे नेक्स्ट कर्सर की मौजूदा स्थिति को बाईं ओर से मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना है, ठीक है, तो किस कुंजी का उपयोग होगा, ये कह रहा है कि जैसे आप मान लो कुछ टाइपिंग कर रहे हो आप, ठीक है, और मान लो ये कर्सर आपका यहाँ पे है तो बाईं ओर का यानी लेफ्ट, अगर लेफ्ट का कैरेक्टर आपको डिलीट करना है तो हम किसको दबाएंगे, बैक स्पेस, ठीक है, किसको, बैक स्पेस। अगर इसी क्वेश्चन में इस तरह से होता दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो दाईं ओर के डिलीट करना है तो इधर तो हो गया बैक स्पेस, ठीक है, इधर तो हो गया बैक स्पेस, इधर होता है डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, राइट का एक कैरेक्टर डिलीट होगा अगर राइट में उसके कुछ है तो, कोई कैरेक्टर है तो। या फिर डिलीट का उपयोग किस लिए होगा, भाई बहुत सारे कैरेक्टर हैं उनको सेलेक्ट कर रखा है, वर्ड्स को सेलेक्ट कर रखा है वो डिलीट कर देगा, फाइलें या कोई फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट कर देगा, वो काम तो करेगा ही करेगा, पर एक एक कैरेक्टर डिलीट करने के भी ये काम आता है दाईं ओर के, ये ध्यान रखना, बाईं ओर आ गया बैकस्पेस, दाईं ओर आ गया डिलीट, ठीक है। आगे किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कीबोर्ड में यहाँ भी नंबर होते हैं और यहाँ भी नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड, तो न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसकी सहायता से नंबरों को बहुत जल्दी से टाइप किया जा सकता है। और इसको अनेबल और डिसेबल करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, नमलॉक की का, ठीक है। आगे नेक्स्ट मॉनिटर के डिस्प्ले को हम कैसे मापते हैं, कोई भी मॉनिटर है जैसे ये एक मॉनिटर ही है मान लो हमारा,
ठीक है। अब इसकी जो आकार मापेंगे वो कैसे मापते हैं, तो वो मापते हैं डायगनली, ठीक है। वो कैसे मापते हैं डायगनली, यानी कि ऐसे ऐसे मापते हैं, कभी भी ऐसे हॉरिजेंटली या वर्टिकली नहीं मापते, हमेशा कैसे मापते हैं डायगनली, ठीक है। तो ये आकार को ऐसे मापते हैं, ये एग्जाम में ही आ चुका है एक, तो ध्यान रखना आपको। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होता है, कब होता है रेजुलेशन अधिक, तो उससे क्या होता है, उसमें उतने ही पिक्सल अधिक होते हैं, उतने ही पिक्सल क्या होते हैं अधिक होते हैं। जितना इसका रेजुलेशन हाई होगा मॉनिटर का, उतने ही पिक्सल इसमें ज़्यादा होंगे, और पिक्सल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारी क्वालिटी भी हाई होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी पिक्चर है इस डिस्प्ले के ऊपर, जो हमारी ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, पिक्सल। और पिक्सल क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ कलर्स। पिक्सल क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कलर्स। तो कई सारे कलर कॉम्बिनेशन यूज करके एक छोटा सा पिक्सल बनता है, और बहुत सारे पिक्सल इकट्ठे उनको जोड़ें तो हमारी क्या बनती है, पिक्चर बनती है, ठीक है। तो ये रेजुलेशन हाई होगा, यानी कि पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये हमने बात करी, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डगलस एंजल बर्ट ने। कब बनाया था, 1968 में, ठीक है। लेकिन अगर कीबोर्ड की बात आ जाए तो भाई ध्यान तो हमें कीबोर्ड का भी रखना है, ये बनाया था क्रिस्टोफर ने 1868 में, क्रिस्टोफर, सोल्स, ठीक है, क्रिस्टोफर सोल्स ने 1868 में। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अभी हमने बात करी इमेज की, जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल, क्या होती है, पिक्सल, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ज्यादातर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड थे, इससे पहले के हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे। तो आगे हमारे और भी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क और आपके जो बाकी जो टॉपिक्स बच गए उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कुछ इनमें से ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपकी, आपने जो स्टडी किया है, जो थ्योरी पार्ट आपने पूरा पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप ये एमसीक्यू लगा के देख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी और करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।